हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरपीओम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कुछ खास और स्पेशल लेकर आए हुए हैं जो हर फेस्टिवल में बनाया जाता है और ऑल टाइम की फेवरेट है। हम सभी लोग बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। जिसके लिए हम भर के लेंगे 2 कप मैदा, लेंगे 2 कप मैदा, दो कप मैदे को हम खस्ता करते हैं। यहाँ पर ये देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से खस्ता करेंगे। यहाँ पर 1/2 कप हमने यूज किया है घी और 1/2 कप ये बच गया है, इसे साइड कर देते हैं। और आटे को इस तरीके से मैदे को हम चेक करेंगे, ये मुट्ठी में बंध गया, यानी ये पूरी तरीके से गुजिया बनने के लिए रेडी हो गया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या चीज बनाने जा रहे हैं, वो है गुजिया। पानी को इकट्ठे नहीं डालना है, तो हमारा जो डो है वो सही नहीं बनेगा, गीला हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी को डालते जाएंगे और हम इसे मिलाते जाएंगे। हमारा डो जितना हमें चाहिए, जिस तरीके का चाहिए, वो हमारा परफेक्ट बन सके। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब हम गुजिया की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 कप मैदे के लिए ये 1/2 कप सूजी को हम भून लेते हैं पहले। सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है और इससे अच्छी सी खुशबू आ रही है, इससे पता चल रहा है सूजी हमारी भून चुकी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप फ्रेश मलाई, ये 3 से 4 चम्मच ये दूध पाउडर, इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। ये हमारे मावा का काम करेगा, जो मार्केट में नकली मावे आते हैं ना, उनसे हम बच जाएंगे। अब इसमें हम सूजी डालेंगे, रोस्ट किया हुआ नारियल, नारियल को हमने रोस्ट किया है, और 3 से 4 कूटी हुई इलायची, अब डालेंगे हम 1/2 कप शुगर, ये सारा काम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। थोड़ा सा दूध का छींटा लगाएंगे, इस तरीके से सब मिक्स करते जाना है, शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा दूध का छींटा और लगाएंगे। अब हम डालेंगे थोड़ी सी किशमिश और इसे ढक देते हैं
थोड़ी देर के लिए, ये शक्कर हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। फिलिंग बन के रेडी है, बस अब लास्ट में हम डालेंगे 2 चम्मच घी, बस इतना सा ही, और इसे मिक्स कर देंगे। इसे बाउल में शिफ्ट करेंगे ठंडा हो जाए, तो हमारा चिकना हो गया है। इसे हमने इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से मसल मसल के चिकना कर लिया है। इतना पतला बेल लेंगे, न ज्यादा पतला है न ज्यादा मोटा। अब इसे हम क्या करेंगे, कटोरी से या कोई भी चीज आपके घर में हो, अगर हमें मशीन पे बनाना है तो ये मशीन पे आ जाए। अब इस तरीके से लेंगे और 1 चम्मच जितना भरना है फिलिंग लेंगे, पानी चारों तरफ, इस तरीके से मोड़ देना है। अब हम मशीन पे रखेंगे और इसे दबा देंगे, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसे निकाल देंगे। बन गई हमारी गुजिया अच्छी खूबसूरत सी। तेल हमारा गर्म हो रहा है, यहाँ पर हम रिफाइन का यूज करेंगे, सरसों तेल का यूज नहीं करेंगे। सरसों तेल की अपनी एक स्मेल होती है, उससे जब हम स्वीट डिश बनाते हैं तो खराब जाती है। तेल को तेज गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पर हम गुजिया को तेल में डाल रहे हैं। डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, तो क्या करती तेज है गुजिया का कलर चेंज हो गया, इससे पता चल रहा है ये गुजिया हमारी तल उठी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गर्मा गर्म गुजिया हमारी बन के रेडी हो गई, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।